नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीता। टेस्टी गोवन हेरिटेज में आप सबका स्वागत है। कुल्फी किसको पसंद नहीं है, वो भी आम की। हमें तो बहुत पसंद है, और आपको? मुझे मालूम है आपको भी पसंद है। तो चलो आज बनाते हैं आम की कुल्फी। ठंडी ठंडी आम की कुल्फी बहुत ही टेस्टी होती है। टेस्टी कुल्फी कैसे बनाते हैं, इसे कितनी देर तक फ्रिज में रखना है, और अगर आपके पास कुल्फी के सांचे नहीं है तो क्या करना है, ये सब बातें मैं आप आगे बता दूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भाई, आम की कुल्फी है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है पके हुए आम की। यहाँ पर मैंने 4 हापुस आम लिए हैं। इन्हें पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, फिर इन्हें कपड़े से पोंछ लिया है। अब हमें इन्हें काट कर इनका पल्प निकालना है, इसलिए हमने इन्हें दोनों तरफ से इस तरह से काट के लिया है। अब एक एक स्लाइस उठा के इस तरह से चूरे से इनको काट के इनका सारा पल्प निकालना है। आम अच्छे से पके हुए हैं, इनका रंग भी बढ़िया है और ये मीठे भी हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। सब आम का पल्प हमने निकाल के लिया है, गुठले का भी थोड़ा बहुत पल्प निकाल कर जार में डाल दिया है। अब इसमें थोड़े आइस क्यूब डालते हैं, जूसर को चलाते हुए इसका रस बना के लेते हैं। आम की स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। अब इसमें मिलाते हैं 200 ml फ्रेश क्रीम, दो सौ 50 ml कंडेंस मिल्क, तीन छोटे चम्मच इलायची मिश्रित शुगर पाउडर, और एक चुटकी भर काला नमक। अब इसे हमें ब्लेंड करके लेना है। आप देख सकते हो हमारा स्मूथ सा कुल्फी का मिश्रण तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट बन गई है। मेरे पास एक कुल्फी का मोल्ड है, इसे हम मोल्ड में डालते हैं। इस तरह से हमने सारे कुल्फी के मोल्ड भर दिए हैं। इन्हें थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, फिर इसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देते हैं। मेरे पास ये 3 छोटे मटके हैं, इनमें भी हम एक एक करके कुल्फी का मिश्रण भर देते हैं। तीनों मटके में हमने मिश्रण भर दिया है। अगर आपके पास कुल्फी का मोल्ड नहीं है तो इस प्रकार के डिस्पोजेबल कप में कुल्फी बना सकते हो। मैंने एक डिस्पोजेबल कप लेके इसमें भी कुल्फी का मिश्रण भर दिया है। तीनों मटके और कप को टैप किया ताकि मिश्रण अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इनको पिस्ता और बादाम के पीसेस डाल के गार्निश करते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये मटका कुल्फी। मुझे मटका कुल्फी बहुत पसंद है। मेरे पास इनके ढक्कन भी हैं, इससे हम इन्हें ढक देते हैं। इस कप को हम इस तरह से फॉइल से बंद करते हैं, इसके बीच में छेद करके इनमें एक स्टिक लगा देते हैं। अब हम इन्हें फ्रिज में रखते हैं। कम से कम हमें इन्हें 7-8 घंटे के लिए रखना है। हमें इन्हें रात भर फ्रिज में रख देते हैं।
दूसरे दिन हम कुल्फी को फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो मटके के बाहर भी बाष्प जमा है। कुल्फी अच्छे से सेट हुई है। इन्हें हमें 4-5 मिनट के लिए बाहर रखना है। अब हम मोड़ में से कुल्फी निकाल लेते हैं। इन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में रखते हैं और फिर इन्हें डिमोल्ड करके लेते हैं। इनके ऊपर थोड़े से बादाम और पिस्ता के पीसेस डाल के गार्निश करते हैं। मटका कुल्फी भी रूम टेम्परेचर में आ गई है। आप देख सकते हो इसे अब हम आराम से चम्मच से निकाल सकते हैं। अब हम इस कप में सेट की हुई कुल्फी को डिमोल्ड करके लेते हैं। पेपर को थोड़ा कट करके कुल्फी को बाहर निकालते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट पीसेस डाल के इसे गार्निश करते हैं। कितने अच्छे लग रही है ना एक कुल्फी। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। ये अच्छे से कट हो रही है। आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और टेस्ट करके हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक मजेदार रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।